जेपी सीमेंटेड चौखट दुकान, सभी तरह के खूबसूरत डिजाइनदार सीमेंट छड़ से ढलाई किया हुआ मजबूत एवं टिकाऊ चौखट मात्र 1000 रुपए में बनाया जाता है। तो आज ही ऑर्डर करें। हमारा पता है, नामधारी कॉलेज गेट के बगल में गढ़वा। संपर्क नंबर 6200418799। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। भवनाथपुर से संवाददाता अयोध्या कुमार की रिपोर्ट। भवनाथपुर प्रखंड में बन रहे शौचालयों में घोर लापरवाही देखी जा रही है। बता दें कि भवनाथपुर प्रखंड से 5 किलोमीटर दूर असनाबाद गांव में ठेकेदारों द्वारा शौचालय बनाया जा रहा है। उसमें 2 नंबर की ईंट तथा घटिया किस्म का बालू का उपयोग किया जा रहा है। लाभुकों ने बताया कि शौचालय की ऊंचाई बहुत ही कम है तथा उसका गड्ढा 1.5 से 2 फीट तथा सिलाब बहुत कमजोर है, जो कभी भी टूटकर गिर सकती है। और शौचालय का गेट टीन का है एवं नाजुक एवं काफी कमजोर है। ग्रामीणों ने काफी दुख प्रकट किया है कि अगर सरकार द्वारा मिल रहे शौचालय को सही तरीके से नहीं बनाया जा रहा है, और जब हम लोग अपने से बनाने के लिए मांग करते हैं तो बहुत कागजात की समस्या बताई जाती है। अगर सही तरीके से शौचालय नहीं बना तो सरकार का पैसा व्यर्थ है, शौचालय कभी यूज नहीं किया जा सकता। ये प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें लूट खसोट कर सरकारी योजना का बंदरबाट किया जा रहा है। एक दो तक गाड़ी हाँ। मतलब हम सीमेंटो दे लिया कि हाँ। भाई अच्छा से बना दो, तो सब फॉइल से बना दो। आप अपना घर से दिए सीमेंट? हाँ, अपना घर से दिए हैं। मेरा है मिस्त्री बोले की नहीं, जब अच्छा से बनवाए तो अपना सर्वा सीमेंट दो। केलान गाँव में जंगली नीलगायों ने लगाए गए वृक्षों को नष्ट किया। गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत केलान गाँव के उपेंद्र यादव के खेत में मनरेगा के तहत फलदार वृक्षारोपण किया गया था, जो जंगली जानवर जैसे नीलगाय रात्रि में आकर सभी लगे वृक्ष को नहस तहस कर बर्बाद कर डाला। खेत में फलदार पौधे लगभग 1 एकड़ में लगाए गए थे, जो फलदार पौधे करीब 120 थे, जिसमें लगभग 60 पौधे जंगली नीलगायों ने खा लिए और बर्बाद कर दिए। उपेंद्र यादव ने बताया कि मनरेगा द्वारा योजना लाखों रुपए की है, जो हमने अपने भूमि पर 1 एकड़ में फलदार पौधे लगाए थे, जिसमें सभी पौधों को जी जान से मेहनत करते थे, समय पर आहार जैसे जल एवं देखभाल करते थे। पौधा लगाकर चारों तरफ से घोरान भी कर दिए थे, लेकिन शनिवार की रात्रि में करीब 1 दर्जन जंगली नीलगायों ने छलांग लगाकर अंदर आई और सभी पौधे खा गए। उस समय अपने घर में सोए हुए थे। जब हम घर से बाहर निकले तो जानवर दिखाई दिए। लाइट मारते ही सभी जंगली जानवर जंगल की ओर घोरान छलांग लगाकर फरार हो गए। खाए हुए पौधे अपने ही उजी आ सकता है, हमारे किए हुए मेहनत पर पानी फिर गया। इसकी शिकायत हमने मनरेगा के अधिकारियों से कर दी गई है। उपस्थित उपेंद्र यादव, समाज सेवी राजमोहन यादव, शक्ति सिंह, फुलेंद्र यादव, सभी ने काफी दुख प्रकट किया है कि इसी तरह गांव में खेतीबाड़ी में भी जंगली जानवरों से नुकसान करते हैं। सभी ग्राम वासियों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया है कि ऐसी समस्याओं का निदान किया जाए ताकि हमारी फसल बच सके। अच्छा अच्छा, ये 1 मिनट, ये कितना लगभग आपका पौधा खाया है नीलगाय? 50 से 60 पौधा खा गए हैं। अच्छा, 112 पौधा लगाए गए थे 1 एकड़ में, जिसमें कि 50 से 60 पौधा खा करके नुकसान कर दिए हैं। अच्छा, इस बीच वन विभाग के अधिकारियों से आप क्या मांग चाहते हैं? वन विभाग के अधिकारियों से मांग चाहते हैं कि ये जो नीलगाय है वो मतलब वन में ही रहते हैं, जंगल में ही रहते हैं, और ये नीलगाय का सुरक्षा करना, कैसे पौधा ना चरे, यहाँ का फसल ना चरे, इस पर वन विभाग को ध्यान देना चाहिए और इस पर कोई ना कोई पहल करना चाहिए। अच्छा, कदम उठाना चाहिए। इस पौधा के मांग आप क्या करेंगे अधिकारियों से? पौधा के अधिकारियों से मांग करेंगे कि पौधा को लगाने में मनरेगा के तहत बहुत सारे मजदूर लगे हैं और पैसा सरकार के लगी है। अगर पैसा लगी है तो उसका, अगर पौधा अगर नहीं अगर बढ़ेगा नहीं रहेगा तो फिर पैसा का दुरुपयोग हो जाएगा। सरकार जो मनरेगा के तहत ही पौधारोपण कार्यक्रम चला करके जो पौधा लगवाया है, ये तो नुकसान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो पौधा बचे, इसके लिए नीलगाय को जो क्या मांग चाहते हैं? मांग यह चाह रहे हैं कि जितना भी पौधा नीलगाय के द्वारा चर गई है नीलगाय, उस पौधा का भरपाई के लिए वन विभाग अपने स्तर से कुछ अपना भरपाई करे, जिससे कि हम इस पौधा को और दूसरा पौधा लगा करके इसका हम अपना देखभाल सुरक्षा तो कर ही रहे हैं। सुरक्षा करने के बावजूद भी नीलगाय रात में आकर के और झुंड के झुंड सब चर जा रहे हैं। तो वन विभाग से मेरा
आग्रह है कि अपने स्तर से इसका भरपाई को पूरा करें, ताकि हम सब लोग बहुत सारा पौधा जो बर्बाद हो रहा है ऊपर मतलब बर्बाद होने से बचे, इसका हम लोग आगे देखभाल करें। थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? राजमोहन यादव। अच्छा उपेंद्र जी, आप क्या मांग चाहते हैं? देखिए 112 पौधा लगाए थे, जिसमें वन का जानवर जो नीलगाय है मेरा लगभग 50 से 60 पौधा पूरी तरह से नष्ट नुकसान कर दिया, जिसमें हम यही चाहेंगे कि वन विभाग से अनुरोध करेंगे कि इस पौधा के जगह दूसरी पौधा का प्रतिबंध कर दे और दूसरा पौधा लगा करके फिर से सुरक्षा करें, और जो कि चारों तरफ से घेराव जब मैंने पूरे बंदोबस्त कर दी गई थी, जिसमें उन लोग 5 से 6 फीट का हाइट छलांग मार करके आन करके इसमें खा गए, जिसमें 12-13 के झुंड में थे। हम देखने पर टॉर्च बारे तो लगभग उस समय टॉर्च बारने के बावजूद भागा सब, पर बार बार 2-3 मरतबे इसमें आकर के आज के रात्रि में खाया है ये, बस पे आपका 14 तारीख के रात्रि में खाया और आपका 12 तारीख के रात्रि में खाया, 2-3 दिन में आकर के इसके जानकारी आप दिए? इसका जानकारी हमने ये आपका मनरेगा विभाग में बोले कि ऐसा ऐसा नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि उस पर और सख्त कार्रवाई करके देख रेख किया जाए, बचाव किया जाए, पर ये वन विभाग के जो नीलगाय हैं बहुत ज्यादा नुकसान हमको पहुंचा रहे हैं। चलिए थैंक यू, चाहते हैं सरकार से। हम मेरा कहने का एक ही मकसद है कि जो मेरे दोस्त उपेंद्र जी थे जिनका फलदार पौधा था, वो अभी इन्होंने हमको भी फोन किया, लेकिन ऐसा सो हम लोग देखने भी आए, देखिए कि इनका सही में जानवर नुकसान किया है, और ये पौधा भर ही नहीं, गांव में जिससे गेहूं की खेती होता है, अरहर की खेती होती है, मकई की खेती होती है, और जो जंगल के जानवर होते हैं वो उसे भी नुकसान कर है नीलगाय। तो मैं पुनः उसी बात को बोलना चाहूंगा वन विभाग अधिकारी से कि जो भी अगर उस तरह का नुकसान किसान का हो रहा है तो अपने अपने विभागीय माध्यम से उन्हें कुछ सहयोग करे। इसी के साथ जोहार। चलिए थैंक यू। वहाँ तक 80 सालों से वरुणा पंप्स आप तक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पहुँचाने का प्रेशर लेते आए हैं। मजबूत और पावरफुल डिजाइन स्टेनलेस स्टील मॉडल के साथ जोश से पानी पहुँचाने का। अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस मधुसार रोड आनंदमार स्कूल के बगल में गढ़वा। संपर्क नंबर है 7909091166। सिंह हार्डवेयर एंड सैनिटरी, यहाँ पेंट, समोसन, पुट्टी, दरवाजा, प्लाई, मोटर, स्मर्सिबल, सिंटेक्स उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ स्टील रेलिंग भी की जाती है। पता मेन मार्केट रोड कांडी। संपर्क नंबर 9771757297। आरपी नर्सिंग स्कूल मेन रोड टंगा गढ़वा झारखंड। ANM GNM D फार्मा में नामांकन प्रारंभ है, जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना थकेंगे, गरीबों का एक ही मसीहा विश्रामपुर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरिओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड रेहला पलामू, विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुबी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।